Good morning, students. Today we will read chapter number 9, class 2, the adjective, yani ki visheshan. इस चैप्टर में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए. रीमा इज अ थिन गर्ल. गोविंद हैज अ ब्लैक काउ. He has a new cycle. Akash has a long mustache. In the above sentences, fat, little, black, heavy show the quality of noun or pronoun. So these are adjective. ऊपर दिए गए जो वर्ड्स हैं जैसे कि थिन, ब्लैक, न्यू, लॉन्ग, ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं. क्वालिटी मींस उनकी जो स्पेशल बात होती है, जो उनकी खास बात होती है उसके बारे में बताते हैं. जैसे कि जो गर्ल है, गर्ल क्या है? एक नाउन है. तो नाउन की खास बात क्या है? जो गर्ल है वो कैसी है? थिन है. गोविंद के पास, गोविंद क्या है? एक नाउन है. कैसी गाय है? ब्लैक कलर की. तो जो ब्लैक कलर है वो क्वालिटी को बता रहा है गाय की, कि ब्लैक कलर की गाय है. एंड उसके पास कैसी साइकिल है? न्यू साइकिल. जो न्यू वर्ड है वो साइकिल की क्वालिटी को बता रहा है. आकाश हैज अ लॉन्ग मस्टेज, इसका मतलब कि जो आकाश है उसकी जो मूछें वो कैसी हैं? लॉन्ग है. मूछों की क्या खास बात है? कि वो लंबी हैं. The word which shows the quality of a noun or pronoun is called an adjective. ऐसे word जो कि noun और pronoun की quality के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Adjective. क्या कहते हैं? Adjective. Now look at these pictures and read the sentences given below. इस pictures को देखिए और sentences को ध्यान से पढ़िए. तो चलिए पढ़ते हैं. The elephant is big but the hare is small. जो हाथी है वो big है और जो खरगोश है वो small है. तो इसमें से adjective कौन सा word है? चलिए बताइए. एलिफेंट की खास बात क्या है? वो कैसा है? वो बिग है. और जो खरगोश है उसकी क्या क्वालिटी है? कि वो छोटा है. तो इसमें बिग और स्मॉल क्वालिटी को बता रहे हैं नाउन्स की. तो ये हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हुए. पिंकी इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट. तो पिंकी की क्या खास बात है? क्या क्वालिटी है पिंकी में? कि वो कैसी है? टॉल है, लंबी है. और उसकी जो सिस्टर है वो छोटी है. उसकी खास बात है, उसकी विशेषता है कि वो शॉर्ट है. नेक्स्ट, द वुमेन इज यंग बट द मैन इज ओल्ड. तो यहाँ पर जो नाउन है वुमेन है. नाउन की क्या स्पेशल बात है? जो वुमेन है वो कैसी है? यंग है, जवान है. तो ये जो यंग वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है. और जो मैन है कैसा है? ओल्ड है. उसकी जो खासियत है, उसकी जो क्वालिटी, वो क्या है? ओल्ड. आइस इज कोल्ड बट फायर इज हॉट. आइस की जो खास बात है क्या है? वो ठंडी होती है, कोल्ड होती है. जो फायर होती है वो हॉट होती है. तो कोल्ड और हॉट जो वर्ड है
वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव आर बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, यंग, ओल्ड, कॉल्ड, हॉट एंड द नाउंस आर द एलिफेंट। अब देखिए ऊपर जो सेंटेंस दिए थे इनमें क्या एडजेक्टिव था, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, यंग, ओल्ड, कॉल्ड और हॉट, और नाउंस क्या थे, एलिफेंट, हियर, पिंकी, सिस्टर, मैन, आइस, कोल्ड। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द नाउंस बाय वर्ब, जिसे हम वर्ब से सेपरेट करके, जो ये सारे वर्ड्स हैं ये हमारे नाउंस हैं। तो आई होप आप सभी को एडजेक्टिव समझ आया होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। तो चलिए एंड करते हैं।